दोस्तों, अगर आप एक इंडियन हैं तो आज के टाइम पे आप हरनाज संधू के नाम को तो जानते ही होंगे। वो इस बार 2021 की मिस यूनिवर्स बनी हैं और उन्होंने इंडिया का नाम रोशन करा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बहुत ही सारी आर्मीज ने नोटिस करा है कि एक्चुअली हरनाज संधू और BTS के बीच में एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। तो दोस्तों, मैं जिस कनेक्शन की बात कर रही हूँ वो आर्मीज ने हरनाज संधू की स्पीच और उनकी बातों में देखा है, जिससे पता चलता है कि शायद वो भी एक आर्मी ही हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये था कि जब फैंस ने उनकी स्पीच सुनी थी उनके फाइनल राउंड के दौरान, तो बहुत ही सारे लोग इमोशनल हो गए थे क्योंकि उनको उसमें BTS के लीडर किम नामजून की झलक दिखी थी। यही नहीं बल्कि हरनाज संधू ने अपनी स्पीच में जो लाइंस बोली थी उसमें कहीं ना कहीं वही लाइंस BTS की स्पीच में यूनाइटेड नेशंस में यूज़ करी गई थी। यही नहीं बल्कि एक लाइन तो जे होप ने भी अपनी स्पीच में बोली थी, जिसके बाद काफ़ी सारी आर्मीज को ऐसा लगा कि शायद हरनाज संधू कहीं ना कहीं BTS से कनेक्टेड हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली जब हरनाज से उनके फाइनल राउंड में वुमेंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, तब उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि हमें लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ दुनिया में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, उन पर हमें फोकस करना चाहिए और आगे बढ़ के हमें खुद की बात बोलनी चाहिए। यानी उन्होंने बोला था कम ऑन स्पीक फॉर योर सेल्फ। इसके साथ साथ उन्होंने बोला था कि आप अपनी लाइफ के लीडर खुद हैं। ऐसे ही मैं मानती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की लीडर हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारे आर्मीज ने इस स्पीच को सुनने के बाद इस पॉइंट पर ध्यान दिया कि जब BTS के लीडर किम नामजून ने यूनिसेफ के दौरान अपनी स्पीच दी थी, तब भी उन्होंने स्पीक फॉर योर सेल्फ के टॉपिक को उठाया था और उनकी स्पीच में ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी कि फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आए हैं, आपका स्किन कलर क्या है, आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, स्पीक फॉर योर सेल्फ। दोस्तों, यही नहीं बल्कि हमारे BTS के मेंबर जे होप ने अपनी स्पीच में भी ये लाइन बोली थी कि यू आर द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, और ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, काफ़ी सारी आर्मीज को ऐसा लगा कि हरनाज ने BTS के मेंबर्स की स्पीच ज़रूर सुनी होगी, जिसकी वजह से उन दोनों की स्पीचेस में इतनी सिमिलैरिटीज थी। दोस्तों, साथ ही साथ बहुत ही सारी आर्मीज को प्राउड भी फील हुआ कि अगर सच में हरनाज ने BTS की स्पीच को सुना है तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि उन्होंने अपने मिस यूनिवर्स के फाइनल राउंड में BTS के वर्ड्स को यूज़ करा और उनकी उस स्पीच को इतना ज़्यादा माना गया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको मिस यूनिवर्स का खिताब भी मिला है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपको पता था कि हरनाज और BTS के बीच में इतना ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन है, और अगर नहीं पता था तो इसको सुनने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, ये भी मुझसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।